वेलकम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम प्लांट ब्रीडिंग के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। फर्स्ट पॉइंट, पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर प्लांट बेटर यील्ड एंड आर डिसीज रेजिस्टेंस। मीन्स प्लांट ब्रीडिंग है क्या? मीन्स कि हम एक प्लांट स्पीशीज के अंदर उसके अंदर जेनेटिक लेवल पर मैनिपुलेशन करते हैं, और हमारा डिज़ायर क्या होता है ये मैनिपुलेशन का, कि एक हमारे पास पर्पसफुल मीन्स हमें उससे कुछ फ़ायदा हो, तो उस प्लांट की यील्ड भी बढ़ जाए और वो डिसीज रेजिस्टेंस भी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग डेट्स बैक टू 9000 to 11000 ईयर अगो। मीन्स जो प्लांट ब्रीडिंग के जो हमें एविडेंस मिलते हैं ये रिसेंटली नहीं है, 9000 to 11000 ईयर ओल्ड टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं। अब हम यहाँ पे दो पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे जो हमारे दो नेक्स्ट पॉइंट है, कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग, जो वर्ल्ड वाइड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो नॉर्मन बोरलॉग है, एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वो MS स्वामीनाथन। ये दोनों पॉइंट हमें अच्छे से याद रहना चाहिए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग, बट जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया तो MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेट्स और कैरेक्टर दैट द ब्रीडर हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट इनटू क्रॉप प्लांट्स, द फर्स्ट वी वुड लिस्ट वुड बी इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी। प्लांट ब्रीडिंग में जो प्लांट ब्रीडिंग करता है, मीन्स जो ब्रीडर है जो प्लांट ब्रीडिंग को परफॉर्म करता है, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? फर्स्ट मोटिव ये होता है कि क्रॉप की यील्ड बढ़ जाए, यानी क्वांटिटी बढ़ जाए और साथ में क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रॉ, रेजिस्टेंस टू पैथोजन मीन्स वायरस फंगाई एंड बैक्टीरिया के लिए रेजिस्टेंस हो जाए, एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट वुड बी ऑन आवर लिस्ट टू। जैसे कि हमने पहले तो पढ़ा, जो ब्रीडर है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि प्रोडक्शन बढ़ जाए और क्वालिटी भी बढ़ जाए, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। इसके साथ साथ न्यू ब्रीड है प्लांट की, उसके अंदर स्ट्रेस को टॉलरेंस करने की कैपेबिलिटी हो, पैथोजन के लिए रेजिस्टेंस हो, जैसे कि फंगस वायरस से जो होने वाली डिसीजेज होती है वो उसको टॉलरेट कर सके, और मतलब कि इंसेक्ट और पेस्ट उसको ज़्यादा हार्म ना कर पाए, ये सारी चीज़ें भी माइंड में रखी जाती है। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ब्रीडर की वो यही होती है कि उसका प्रोडक्शन और क्वालिटी बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसमें कि जो मेन स्टेप इन ब्रीडिंग अ न्यू जेनेटिक वैरायटी, जो हम एक न्यू ब्रीडिंग से न्यू वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए मेन स्टेप क्या होते हैं, तो क्या मेथड हम फॉलो करते हैं कि एक न्यू ब्रीड हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। फर्स्ट रहेगा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, तो हमें यहाँ पर ये याद रखना जो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी है ये रूट ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम है। मीन्स ये सबसे मेन स्टेप है, रूट ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम है। अब कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे, फॉर एग्जांपल एक पी प्लांट है, तो हम बहुत सारे जो पी के प्लांट हैं उनमें से बहुत सारे वेरिएबिलिटी होगी, किसी में किसी चीज़ के अंदर चेंजेस होगा, किसी में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर, तो हम उसमें से कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत सारी वेरिएबिलिटी को चूज़ करेंगे, और फिर वहाँ से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, फिर हम वहाँ से दो पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके बीच में हमें ब्रीड कराना है, कि हाँ इसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा है, इसके अंदर क्वालिटी अच्छी है, ये डिसीज रेजिस्टेंस है, हम वो सारे कलेक्शन में से चूज करेंगे, तो यहाँ पे आ गया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। फिर थर्ड स्टेप होएगा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग दी सिलेक्टेड पेरेंट्स, ब्रीडर ने जो दो पेरेंट्स को सिलेक्ट किया है प्लांट के, अब उसके बीच में वो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएगा। फिर फोर्थ आ जाएगा सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, अब जब वो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो गया न्यू प्रोजेनी जो बनेगी, फिर उसके अंदर हम प्रोजेनी तो एक नहीं बनेगी, बहुत सारी प्रोजेनी होगी, कई ब्रीडर ऐसे कॉम्बिनेशन करके बहुत सारे पेरेंट्स को सिलेक्शन करके उनका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेगा, तो उनमें से जो मोस्ट सुपीरियर होगी तो हम उसमें से जो बेस्ट हमारे लिए रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी आएगी हम उसका सिलेक्शन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा फिफ्थ स्टेप, टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन एट सेवरल लोकेशन इन दी कंट्री। अब जो हमारे पास वो रिकॉम्बिनेंट आ गया है, तो अब हम उसका करेंगे क्या,
तो हम उसको पूरी कंट्री में उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसको कमर्शलाइज लेवल पर लाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पूरी कंट्री में अलग अलग लोकेशन पे एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन के उसकी टेस्टिंग करेंगे कि हाँ वो हर जगह सुटेबल है कि नहीं, उसकी कितनी यील्ड और क्वालिटी कंटेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें चेक की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री, एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड एम्प्लॉय नियरली 62% ऑफ द पॉपुलेशन। इंडिया इज मेनली एग्रीकल्चर, यहाँ पे जो खेती बाड़ी और किसान, मोस्टली पीपल्स आर डू एग्रीकल्चर, बट जो एग्रीकल्चर में, बट इन इंडिया जीडीपी, इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना रोल है, सिर्फ 33%, बट जो पीपल्स आर डूइंग वर्क इन एग्रीकल्चर आर 62%, मतलब कि इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल है 33%, बट पीपल्स आर डूइंग एग्रीकल्चर 62%। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्मप्लाज्म। एक ही टर्म होता है जर्मप्लाज्म। जर्मप्लाज्म का मतलब क्या हो गया, जो हमने इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट या सीड का जो कलेक्शन किया है उसके अंदर जो डाइवर्स एलील्स मींस जो पेयर ऑफ एलील्स जीन्स, वो सारी कलेक्शन को मिलाकर एक टर्म दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं जर्मप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट डे मेनी क्रॉप्स आर द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन इन एंशियंट टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द पीरियड 1960 टू 2000 वीट प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 11 मिलियन टन टू 75 मिलियन टन्स, व्हाइल राइस प्रोडक्शन वेंट अप फ्रॉम 35 मिलियन टन्स टू 89.5 मिलियन टन्स। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मन बोरलॉग डेवलप सेमी डॉप वैरायटी ऑफ वीट, ये हमें अच्छे से याद रखना है, जो सेमी डॉप वैरायटी ऑफ वीट है उसे किसने डेवलप किया था, वो थे नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1963 सेवरल वैरायटीज सच एज सोनालिका एंड कल्याण सोना विच वर हाईली यील्डिंग एंड डिसीज रेजिस्टेंस वर इंट्रोड्यूस ऑल ओवर द वीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया। 1963 में जो सोनालिका एंड कल्याण सोना, ये किसकी वैरायटी है, वीट की। अब हम याद कैसे रखेंगे, सोनालिका कल्याण सोना दोनों में एक था हमारा सोना, सोना कौन से कलर का होता है, गोल्ड, गोल्डन कलर का होता है, तो वीट का भी अप्रोक्सीमेटली अगर गोल्ड ही होता है, गोल्डिश होता है, तो हम उससे याद रख सकते हैं कि सोनालिका कल्याण सोना वीट की वैरायटी है। नेक्स्ट पॉइंट, सेमी डॉफ राइस वैरायटीज वर डिराइव फ्रॉम IR8 डेवलप्ड एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस एंड ताइचुंग नेटिव 1 फ्रॉम ताइवान। जो सेमी डॉफ राइस की वैरायटी है ये कहाँ से डिराइव हुई, IR8 जो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में है, और ताइचुंग नेटिव 1 फ्रॉम ताइवान। नेक्स्ट पॉइंट, सैक्रम बारबेरी वॉज ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया, ट्रॉपिकल केन्स ग्रोन इन साउथ इंडिया सैक्रम ऑफिसिनेरम हैड थिकर स्टेम एंड हायर शुगर कंटेंट बट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया। मीन्स जो शुगर केन है उसकी एक ब्रीडिंग ब्रीड है, एक स्पीसीज है सैक्रम ऑफिसिनेरम, जो सैक्रम ऑफिसिनेरम है ये मोस्टली साउथ इंडिया में ग्रो करती है, जिसकी स्टेम भी थिक होते हैं और शुगरी कंटेंट भी ज़्यादा होता है, बट जब हम इसको नॉर्थ इंडिया में ग्रो करते हैं तो उतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसिनेरम को हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं, तो उसकी वजह से जो नई न्यू ब्रीड आती है वो नॉर्थ इंडिया में भी हमें अच्छा प्रोडक्शन देती है। मिलेट्स, अब ये मिलेट्स टर्म क्या है, हाइब्रिड मेज जवार एंड बाजरा हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया, हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटीज रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस। मीन्स जो हाइब्रिड मेज जवार बाजरा इंडिया में डेवलप हुए, और ये डेवलप क्यों किए गए, क्योंकि ये हाई यील्ड है और रेजिस्टेंस है किसके लिए, वाटर स्ट्रेस के लिए, यानी अगर वाटर की कमी है, वाटर इतना अवेलेबल नहीं है, तो भी इन प्लांट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। प्लांट डिसीज काउज बाय फंगाई बैक्टीरिया एंड वायरस, ऐसे कौन कौन से डिसीज जो प्लांट के अंदर काउज होते हैं, जो बैक्टीरिया काउज करते हैं, फंगाई काउज करते, वायरस काउज करते। फर्स्ट हम देखते हैं कि प्लांट में ऐसी डिसीज है जो फंगाई से होती है, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, रेड रॉट ऑफ सुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, या एनसीईआरटी में दी हुई चीज़ें हमें एग्जैक्ट याद रखनी है।
फिर ऐसे डिसीजेस जो प्लांट में होती है और वो काउज करता है बैक्टीरिया, तो है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। एंड लास्ट जो डिसीज वायरस काउज करते हैं, टोबैको मोजैक वायरस, टर्निप मोजैक वायरस। नेक्स्ट पॉइंट है द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस इज दैट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। जो मूंग बीन है वो रेजिस्टेंस है किसके लिए, येलो मोजैक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू के लिए। पाउडरी माइल्ड्यू के लिए ये कैसे इंट्रोड्यूस की गई, जो मूंग बीन है म्यूटेशन के लिए, म्यूटेशन से इनके अंदर रेजिस्टेंस आ गई येलो मोजैक वायरस एंड पाउडरी। ये कैसे इंट्रोड्यूस की गई, जो मूंग बीन है म्यूटेशन के लिए, म्यूटेशन से इनके अंदर रेजिस्टेंस आ गई येलो मोजैक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस टू येलो मोजैक वायरस इन भिंडी, इसका साइंटिफिक नेम होता है एब्लोमोस्कस एस्कुलेंथस वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ वाइल्ड स्पीशीज एंड रिजल्ट इन अ न्यू वैरायटी ऑफ एब्लोमोस्कस एस्कुलेंथस कॉल्ड परभनी क्रांति। मीन्स जो येलो मोजैक वायरस के लिए भिंडी को हम रेजिस्टेंस करते हैं, जो न्यू वैरायटी हम मिलती है उसको हम नाम देते हैं परभनी क्रांति। नेक्स्ट पॉइंट हेरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, एग्जाम्पल रेजिस्टेंस टू जेसिड्स इन कॉटन एंड सीरल लीव्स बीटल इन वीट्स। रेजिस्टेंस टू जेसिड्स इन कॉटन, यानी कॉटन का जो प्लांट है वो जेसिड के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हेरी लीव से, एंड सीरल लीव्स बीटल इन वीट। नेक्स्ट पॉइंट है इन वीट सॉलिड स्टेम्स लीड टू नॉन प्रिफरेंस बाय स्टेम सॉफ्ट लाई एंड स्मूथ लीव्स एंड नेक्टरलेस कॉटन वैरायटी डू नॉट अट्रैक बॉलवॉर्म। मींस जो सॉलिड स्टेम है वीट के अंदर, तो जो स्टेम सॉफ्ट लाई है वो वीट के स्टेम को खराब कर देते हैं, बट अगर वो सॉलिड स्टेम है तो वो उसको प्रेफर नहीं करते, इस तरह जो वीट का प्लांट है वो सेफ हो जाता है। एंड स्मूथ लीव एंड नेक्टरलेस कॉटन वैरायटी डू नॉट अट्रैक्ट बॉलवॉर्म। जो कॉटन बॉलवॉर्म होता है वो कॉटन के प्लांट को पूरा खराब कर देता है, उससे प्रोडक्शन का लॉस होता है। जब उसमें हम उसकी लीव को स्मूथ कर देते हैं और नेक्टरलेस कॉटन वैरायटी होती है, तो जो कॉटन बॉलवॉर्म है वो उस कॉटन के प्लांट की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होता, तो लॉस जो प्रोडक्शन का लॉस होता है वो एटलीस्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हाई एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड्स टू रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर। मींस जो एनी एस्पार्टिक एसिड का जो लेवल एकदम हाई हो, नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट लो हो इन मेज, तो वो क्या करता है लीड्स टू रेजिस्टेंस जाता है किसके लिए, मेज स्टेम बोरर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हाई लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और हाई प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट्स इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। मीन्स बायोफोर्टिफिकेशन का मेन एम्स क्या है, जो क्रॉप है उसके अंदर हाई लेवल ऑफ विटामिन मिनरल्स प्रोटीन हेल्थियर फैट्स और पब्लिक हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए लाना, ये मेन मोटिव होता है बायोफोर्टिफिकेशन का। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, यानी प्रोटीन का कंटेंट भी बढ़ाए और क्वालिटी भी बढ़े, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है बायोफोर्टिफिकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट इन 2000 मेज हाइब्रिड दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द अमाइनो एसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड वर डेवलप्ड। मीन्स इन 2000 जो हाइब्रिड मेज की वैरायटी इंट्रोड्यूस की गई वो टू टाइम यानी दुगना डबल अमाउंट में अमाइनो एसिड जो कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन को प्रोड्यूस करती थी एज कम्पेयर टू जो पहले की मेज वैरायटी थी। नेक्स्ट पॉइंट वीट वैरायटी एटलास 66 हैविंग अ हाई प्रोटीन कंटेंट हैज बीन यूज्ड एज अ डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टीवेटेड वीट। नेक्स्ट पॉइंट आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी कंटेनिंग ओवर 5 times एज मच एज आयरन इन कॉमनली यूज वैरायटीज। जो आयरन फोर्टिफाइड राइस की वैरायटी है इसके अंदर जो नॉर्मली हम कॉमनली यूज करते हैं राइस वैरायटी, उससे 5 गुना ज्यादा 5 times more आयरन कंटेंट होता है आयरन फोर्टिफाइड राइस के अंदर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।